हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आए हुए थे आगरा एक्सप्रेस वे कुछ बाइक्स का शूट करने। धूप बहुत तेज़ है लेकिन फिर भी शूट करेंगे। बाइक्स वहाँ खड़ी हुई हैं और इन सब का कंपैरिजन टेस्ट होने वाला है R15M के साथ, क्योंकि अभी भी मैंने परचेज की है। सो एक चीज़ और कि मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत पूछा जाता है कि भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ पे हम सेकंड हैंड कार्स खरीद पाएँ और कोई दिक्कत भी ना हो, क्योंकि अक्सर कार खरीदते वक्त हमें यह लगता है कि कहीं गाड़ी एक्सीडेंशल ना निकले, गाड़ी कैसी होगी, कहीं कुछ टाइम में चलनी बंद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें हमारे दिमाग में आती हैं, ये चीज़ें हम सोचते रहते हैं। सो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐप, Cars24। मार्केट में एक कंपनी आई है और इनके पास गाड़ियों के हजारों ऑप्शन है। Cars24 गाड़ी को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करने से पहले करता है उससे 140 चेक पॉइंट से टेस्ट। अगर वो उनसे पास होती हैं तभी होती हैं वेबसाइट पर लिस्ट। यही नहीं, अगर एक यूज कार में हल्के फुल्के भी चेंजेस हैं, हल्के फुल्के स्क्रैचेस भी हैं, तो वो उसे भी आपको रिफर्बिश करके सेल करता है। और तो और इसके ऊपर आपको एक यूज कार पे 6 महीने की वारंटी भी देता है। सो घर बैठे नए तरीके से गाड़ी ऑर्डर करो, घर पे ही टेस्ट ड्राइव लो, और अगर गाड़ी पसंद ना आए तो 7 दिन में गाड़ी वापस करो। आपकी सारी टेंशन, RC ट्रांसफर, गाड़ी की कंडीशन एक्सेट्रा सरदर लेगी Car24 आपके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, हजारों गाड़ियों में से अपने लिए एक परफेक्ट गाड़ी ऑर्डर करो। अब शक मत करो, बुक करो। तो बैक टू बैक धमाकेदार आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं, ये तो आप ही डिसाइड करोगे वैसे कि धमाकेदार हैं कि क्या हैं, बट कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी। तो हमारे पास आज ये दोनों बहुत ही खूबसूरत बाइक हैं, आप देख सकते हो। तो ये है 220cc और वो है 155cc, बट 220 का रौला अपने समय से है और R15 का भी अपने समय से है, और दोनों राइवल्स बहुत तगड़े हैं। 220 फैन बेस बहुत है और इसका भी फैन बेस बहुत है। सो हमने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन टेस्ट ले लिया जाए कि ये BS6 मॉडल जो 220 आया है क्या ये इस काबिल है, क्योंकि BS4 BS3 काफ़ी तेज़ था यार। मैंने 155 तक भगाया हुआ है और मेरे पास 2012 में एक 220 थी, उसको मैंने 158 तक भगाया था। सो उस टाइम उसकी कंडीशन और भागने की जो कंडीशन थी वो बहुत तगड़ी हुआ करती थी, लेकिन BS6 में इन्होंने बहुत किए चेंजेस। तो चेंजेस के बाद देखते हैं क्या ये कैपेबल है कोप अप करने के, कि R15 155cc VVO टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर पाती या नहीं कर पाती। तो चलिए सीधे आते हैं ट्रैक में। बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट किया कि सबसे पहली चीज़ भाई कि क्विक शिफ्टर यूज़ करो, क्विक शिफ्टर आप यूज़ नहीं कर रहे हो। भाई साहब, बहुत मिली सेकंड्स का फ़र्क होता है। क्विक शिफ्टर मेनली आप देखो तो ट्रैक्स के लिए होता है, ट्रैक रेसिंग के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं होता है। बट फिर भी आज आप कह रहे हो तो ट्राई करके एक बार देखते हैं क्या है। वैसे तो मैं क्लचलेस शिफ्ट करता हूँ तो उसमें ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी आप लोग कह रहे हो तो आप लोग आज देखो कि क्विक शिफ्टर का यूज़ कैसे करता हूँ मैं। सबसे पहले इसको हम VVA तक ले जाएंगे, उसके बाद लॉन्च करेंगे। थोड़ा इनको मौका देने के लिए मैंने नॉर्मल लॉन्च किया। अरे मैं तो भूल गया था फिर से। भाई इस इनिशियल में तो निकल गई है 220। देखने वाली बात है कि टॉप एंड में निकल पाती है, निकल जाएगी यार ये, क्योंकि इसका पिकअप बहुत डाउन है यार। मेरे पास क्विक शिफ्टर है, अपने इशू भाई पीछे ना रह जाए, तो लॉन्च में मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया इनको। मैं निकल गया इशू भाई अपने पीछे, अब इशू भाई तो निकल पाएंगे नहीं।
लोग निकल पाएंगे। अभी 140 पहुंची है और पीछे लगे हुए हैं। अब चलो थोड़ा सा और भगाते हैं इसको। मेरे को तो अपने इशू भाई निकल नहीं पा रहे। रोक लेते हैं हम यहाँ। निकल गए इनिशियल यार यमा आफत। ये 220 ना भाई, इसकी गियर वाली दिक्कतें कभी सॉल्व भी नहीं हो सकती। के वेट पे 147 गई थी, अब मेरे वेट पे देखो कितना जाती है। एक रोलिंग रेस करते हैं, इन्होंने रोक दी। अब देखते हैं क्या होता है, मैं इसको कितना भगा पाता हूँ। भाई रॉकेट निकल रहा है बगल से क्या? हमको लगा रॉकेट है। मतलब आगे बताइए, पांचवा ही गेयर है। Thank you.
से विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है यार विंड ब्लास्ट। ट्वेंटी कैपेबल नहीं है कि वो R15M को बीट कर पाए, और BS6 तो चला के मज़ा ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पावर बड़ा डिले डिलीवरी है। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, पहले में तो वो निकल गई और थोड़ा इनिशियल में मैंने टाइम दिया इनको, सेकंड में मैं निकाल ही नहीं पाया क्योंकि भाई साहब मेरे वेट पे ये जा ही नहीं रही है, और इधर से विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वो नहीं पहुंच रही 140। ओवरऑल यहाँ पे जो विनर है वो R15M है, ये किसी भी तरीके से उसको टक्कर नहीं दे सकती है, और बहुत ज़्यादा स्लो हो गई यार, मुझे चलाने में मज़ा नहीं आया। मेरी जो बहुत पुरानी 2012 में थी वो एक नंबर थी, लेकिन इस बार 220 जो नई आ रही है BS6 में आ रही है उसको लेने का कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा है NS ले लो यार, कोई और बाइक ले लो, 220 में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सो आई होप आप लोग को कंपैरिजन टेस्ट अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ।